हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लिनक्स ट्यूटोरियल के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडो कमांड और सुपर यूज़र के बारे में। आगे हमारे जो भी ट्यूटोरियल्स होंगे वहाँ पे हमें सूडो कमांड और सुपर यूज़र के बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूडो सूडो मतलब सुपर यूज़र डू। इसको सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे हम सुपर यूज़र से कह रहे हैं कि कोई काम करो। सुपर यूज़र क्या होता है? सुपर यूज़र एक ऐसा यूज़र होता है जो हर वो काम कर सकता है जो एक नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता। जैसे नॉर्मल यूज़र किसी सिस्टम सेटिंग को चेंज नहीं कर सकता, नॉर्मल यूज़र किसी भी सिस्टम फाइल को ऐड या डिलीट नहीं कर सकता, किसी यूज़र को ऐड या डिलीट नहीं कर सकता, और एक सुपर यूज़र ये सभी काम कर सकता है। सुपर यूज़र के पास ये सभी परमिशंस होती हैं कि वो सभी यूज़र को ऐड डिलीट या फिर दूसरे जो यूज़र्स हैं उनको क्या परमिशन मिलेगी वो भी सुपर यूज़र ही डिसाइड करता है। सुपर यूज़र के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है जिसकी मदद से वो बहुत से काम कर सकता है। जैसे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी हमें सुपर यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार हम सुपर यूज़र का यूज़ ना करके हम सूडो कमांड का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जिस भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सूडो कमांड का यूज़ करते हैं सिर्फ उसी टाइम हमारे पास सुपर यूज़र की परमिशंस होती हैं, उसके बाद सुपर यूज़र की परमिशन हमारे पास नहीं होती हैं। तो सूडो कमांड को यूज़ करना काफ़ी सेफ होता है बजाय इसके कि आप स्विच करो एज ए सुपर यूज़र और फिर उस कमांड को एग्जीक्यूट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक यूज़र ऐड करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र ऐड और यूज़र नेम। जैसे यूज़र, एक मिनट, यूज़र वन, यहाँ पे कह रहा है परमिशन डिनाइड क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे यूज़र ऐड करने के दो तरीके हैं। या तो मैं सुपर यूज़र के लिए स्विच कर जाऊँ, एस यू लिखूँ और स्विच कर लूँ सुपर यूज़र, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ सूडो और फिर कमांड को लिखूँ यूज़र ऐड यूज़र वन। ठीक है, अभी इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा कि फिर क्योंकि फिर ये एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। तो या तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ या फिर मैं एस यू टाइप करूँगा, इसका मतलब होता है स्विच यूज़र, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सुपर यूज़र। अगर आप किसी और यूज़र में स्विच करना चाहते हो तो आप एस यू लिख के उस यूज़र का नाम लिखो। जैसे कोई यूज़र हो, मान लो अभी तो मेरे पास फिलहाल एक ही यूज़र है, अंकित 102 मान लीजिए। ठीक है, और एंटर प्रेस करूँगा और उसका पासवर्ड हमें टाइप करना होगा और उसके बाद हम फिर अंकित 102 नाम का जो यूज़र अकाउंट होगा उसमें स्विच हो जाएंगे। तो इसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है, जब आप सुपर यूज़र के लिए स्विच करेंगे, देखिए एंटर प्रेस कर रहे हैं, तो ये आपसे एक पासवर्ड मांगेगा और ये पासवर्ड वो पासवर्ड नहीं होता है जो आप अपने सिस्टम में लॉग इन करते टाइम टाइप करते हैं। ये पासवर्ड सुपर यूज़र का पासवर्ड होता है जो आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक मिनट मैं ज़रा बाहर आ जाता हूँ। अब मान लीजिए आपको सुपर यूज़र का पासवर्ड नहीं पता है, आपने अभी पहली बार सिस्टम के अंदर अपने जो भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उसके अंदर आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया है और आपको सुपर यूज़र का पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा सूडो हाइफन एस और एंटर प्रेस करना है। ये देखिए हमें पासवर्ड मांग रहा है फॉर अंकित 101। मैं अंकित 101 नाम का जो यूज़र अकाउंट है उसी से लॉग इन कर रखा है मैंने। ये देखिए आप लिखा है अंकित 101 और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगा जो भी मेरा लॉग इन पासवर्ड है। एंटर किया, ये देखिए अब मैं एज ए रूट यूज़र लॉग इन हो गया हूँ। इसका मतलब है कि अंकित 101 जो है वो एज ए रूट यूज़र लॉग इन हो रखा है। अब अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो आपको टाइप करना है PASSWD और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे कहेगा एंटर न्यू यूनिक्स पासवर्ड और आपको पासवर्ड टाइप करना है जो भी आप पासवर्ड चाहते हो। जैसे मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, एंटर दोबारा टाइप करता हूँ और पासवर्ड अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना सुपर यूज़र का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एस यू लिखिए, एक मिनट पहले एग्जिट करना पड़ेगा हमें। एग्जिट, देखिए अभी हम यहाँ पे रूट यूज़र पे थे और अब एग्जिट होने के बाद हम दोबारा अपने नॉर्मल यूज़र पे आ गए हैं। अब अगर हमें
सुपर यूज़र के लिए स्विच करना है तो हमें टाइप करना है SU और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे पासवर्ड जो भी हमने यहाँ पे पासवर्ड टाइप किया था प्रेस करना है। और ये देखिए आप एज ए सुपर यूज़र यहाँ पे लॉगिन हो गए। ये देखिए यहाँ पे एज ए सुपर यूज़र लॉगिन हो गए। और अब आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं, कोई सिस्टम सेटिंग चेंज करनी है, कोई सिस्टम फाइल में मैनिपुलेशन या डिलीशन कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, या फिर आप, मैंने एग्जांपल दिया था आपको यूज़र ऐड करने का वो कर सकते हैं, यूज़र डिलीट करने का कर सकते हैं, ठीक है। और अपना आप काम करके उसके बाद एग्जिट करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। सुपर यूज़र चेंज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक तरीका बताया, sudo -s। sudo -s क्या करता है, आपको एज ए सुपर यूज़र लॉगिन करवाता है सिस्टम में, ठीक है। और बार बार sudo कमांड का यूज़ ना करना चाहें इसके लिए हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं सुपर यूज़र का, और फिर उसकी वजह से हम बार बार एज ए सुपर यूज़र लॉग इन कर जाते हैं। sudo -s की जगह हम दो चार तरीके हैं और हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे sudo -i। ये देखिए अब दोबारा यहाँ पे लॉग इन हो गया एज ए रूट यूज़र। एग्जिट करता हूँ, sudo -SU। देखिए दोबारा यहाँ पे मैं लॉग इन हो गया हूँ एज ए सुपर यूज़र। या फिर मैं sudo -pass WD और रूट इसका भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे सिर्फ पासवर्ड चेंज करना है तो। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे हमें नया पासवर्ड डालना है और पासवर्ड हो गया है, और अब हम उसी पासवर्ड का यूज़ करके स्विच कर सकते हैं एज ए सुपर यूज़र और जो भी काम हमें करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब से मैं सुपर यूज़र कमांड sudo कमांड का यूज़ कर रहा हूँ तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहली बार तो यहाँ पर इसने हमसे पासवर्ड मांगा था जो भी हमारा जिस भी अकाउंट से मैं लॉग इन किया मैंने, ठीक है। पर उसके बाद ये बार बार हमसे पासवर्ड नहीं मांग रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने हमसे पासवर्ड मांगा था, उसके बाद फिर मैं उसके बाद यहाँ पे sudo -i का यूज़ कर रहा हूँ और डायरेक्ट बिना पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के यहाँ पे ये एज ए रूट यूज़र लॉग इन हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे फिर ये लॉग इन हो गया है एज ए रूट यूज़र, यहाँ पे फिर हो गया है। तो इससे डर रहता है कि मान लीजिए आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आप छोड़ कर गए हैं अपना सिस्टम और कोई और आके sudo कमांड का यूज़ करके आपके सिस्टम से कुछ फाइल डिलीट या मैनिपुलेट कर दे। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपके सिस्टम में छेड़खानी करें तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं sudo -k और एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो आपका sudo ऑथेंटिकेशन है एक टाइम स्टैम्प आपको मिलता है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। अब आपने sudo -k का यूज़ कर लिया और आप छोड़ के चले गए तो अगर आपके सिस्टम पर कोई आकर sudo कमांड का यूज़ करता है, मान लीजिए कोई आपकी फाइल है सिस्टम फाइल उसको चेंज या डिलीट करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, उसको पहले आपका पासवर्ड देना पड़ेगा जो कि उसे पता नहीं होगा या फिर पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं ज़रा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। sudo के साथ बहुत से ऑप्शंस यूज होते हैं, -k अभी मैंने यूज किया, -l, -m, -t, -v, बहुत से ऐसे ऑप्शंस या फिर मैं कहूँ कि फ्लैग्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल हमने -s, -k और -i का यूज किया है, ठीक है। तो सभी फ्लैग्स के बारे में डिस्कशन तो हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में हमने जाना कि sudo कमांड क्या होता है, सुपर यूजर क्या होता है और सुपर यूज़र की क्या प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है। सुपर यूज़र का पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, फर्स्ट टाइम में ये प्रॉब्लम आती है कि सुपर यूज़र का पासवर्ड ही आप सेट नहीं कर पाते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये सुपर यूज़र का पासवर्ड कैसे किसी ने क्रिएट कर लिया, सुपर यूज़र का पासवर्ड तो हमने दिया ही नहीं कभी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सुपर यूज़र का पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है वो सीखा, सुपर यूज़र क्या होता है हमें पता लगा, sudo कमांड क्या होती है हमें पता लगा। अच्छा एक बात और, आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह तो कोई भी सुपर यूज़र में लॉग इन कर जाएगा या sudo कमांड को यूज़ कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर आपका पर्सनल कंप्यूटर है PC है उसके अंदर अगर आप लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप sudo कमांड को यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पर अगर आप किसी कंपनी के अंदर किसी टीम में किसी मल्टी यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, मल्टी यूज़र सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ हर कोई sudo कमांड को यूज़ नहीं कर सकता, हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं होती कि वो sudo कमांड को यूज़ कर सके।
एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही परमिशन होती है कि वो असाइन करे, वो डिसाइड करे कि किसको सूडो कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन है और किसको नहीं है। अगर आपको सूडो कमांड यूज़ करने की परमिशन नहीं है तो आप सूडो कमांड यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वरना तो फिर कोई भी सूडो कमांड का यूज़ करके, चाहे वो सुपर यूज़र हो या ना हो, वो अपने सिस्टम पे बैठे बैठे ही सारे सिस्टम को उथल पुथल कर सकता है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सूडो कमांड और सुपर यूज़र के बारे में कुछ आइडिया मिला होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।